एवरीवन, हम बात करने वाले हैं रैंप सिग्नल और स्टेप सिग्नल जब मिक्स होकर आया है तो उसकी वेवफॉर्म को कैसे लिखते हैं यूटी और आरटी के टर्म्स। तो इससे पहले हमने एक वीडियो किया था जिसपे यूटी और आरटी मिक्स आया था। तो यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे इसको करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जो रैंप वाला पार्ट होता है उसका स्लोप मार्क करते हैं और जो स्टेप वाला होता है उसका एम्पलीट्यूड मार्क करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से। मैंने बताया था लेफ्ट साइड में अगर ये एक्स एक्सिस पे क्या होता है स्लोप कितना होता है जीरो, ठीक है। देन आगे देखो यहाँ पे ये क्या है स्टेप है, ठीक है। स्टेप के लिए मैं कोई अलग कलर यूज कर रहा हूँ। रेड के लिए यूज किया मैंने रैंप, और जो ये ब्लू है इसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं स्टेप। तो कितने का स्टेप है ये, यहाँ से वाई कस टू जीरो था कितना हो गया वन हो गया, तो इस पर कितने का रैंप आया वन का, ठीक है। आगे देखो आगे किसका पार्ट आया था फिर, ये हमारा रैंप, ठीक है। रैंप क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है। जब वर्टिकल लाइन आएगी उसे कहते हैं स्टेप, जब उसके अलावा और कोई लाइन होगी तो उसे क्या कहेंगे हम रैंप। तो रैंप का हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है स्लोप का ये फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th क्लास से, ठीक है। ये होता है, तो मुझे क्या चाहिए दो पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है -2, 1, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये -1.5 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 2, -1.5, 2। तो दो पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, इन दो पॉइंटों की वजह से मैं क्या निकाल लूंगा स्लोप निकाल लूंगा, -2.1 और ये कितना -1.5, 2, ठीक है। इसे मैंने कह दिया पहले वाले को x1 y1 और दूसरे नाम देते थे हम क्या x2 y2। तो ये स्लोप कितना हो जाएगा इसका y2 -1 y1, यानी 2 -1 है तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। आगे देखो x2 कितना -1.5, आगे -x1 यानी -2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये टू प्लस, ऊपर प्लस हो जाएगा नीचे प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कोई मिस्टेक किया क्या, -2, 1, ठीक है, या सॉरी मैंने यहाँ पे ये +1 लिख दिया, ये क्या है यहाँ पे ये +1, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, इसको प्लस कर दो, इसको मैंने चेंज कर दिया -1, मैंने मिस्टेक से लिख दिया था सॉरी, ये कितना 1 है, तो कितना आ गया 2 -1, 1 होता है, और ये कितना आ गया -1.5, 2 यानी 0.5 बचेगा। 1 को जब 0.5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप होगा ऊपर की तरफ कितना होगा 2 होगा। इन द सेम वे अब ये क्या आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है अगेन ये रैंप है, ठीक है, यहाँ तक तो रैंप ही है, अगेन इसके निकालेंगे, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक तो ये सेम ही है, अगर ध्यान से देखो तो पहला वाला पार्ट -1.5, 2 तक तो ये सेम है, तो अगला ये होगा यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे -1, 1, ठीक है। इसको मैं वाइट से लिख देता हूँ -1, 1, तो मुझे दो पॉइंट मिल चुके हैं, इनको मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, ठीक है। मैंने ये दोनों पॉइंट उतार दिए यहाँ से, तो इसको पहले वाले को नाम दे दिया x1 y1, अगले को नाम देता हूँ x2 y2। तो स्लोप फॉर्मूले में इसको वैल्यूज को लगा दो, y2 -y1, 1 -2, x2 कितना -1, माइनस अगेन माइनस है तो दूसरा भी, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ऊपर बचा -1 और नीचे कितना बचेगा -1 अपॉन ये -1 +1.5 यानी 0.5 बचेगा नीचे प्लस का, इसको -1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये भी हम वैसे भी हम देखो अंदाजा लगा सकते थे, जब इक्वल डिस्टेंस पे हो ना तो स्लोप बस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। आगे क्या है, आगे फिर नीचे आ रहा है ये तो स्टेप का पार्ट है, वर्टिकल लाइन किसका पार्ट होती है स्टेप का, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टेप करके आया, तो एक से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे की तरफ आता है तो माइनस, एक से जीरो पर आ गया तो एक का नीचे आया, ठीक है, एक का नीचे आया मतलब -1, जब नीचे आता है तो माइनस का, ऊपर जाता है तो प्लस का, यहाँ जीरो से एक गया था तो 1 यूनिट डिस्टेंस चला था, ऊपर गया तो प्लस, अब नीचे आ रहा था माइनस, ठीक है।
आगे आगे जब हम अगले वाले पार्ट पाए, ये क्या अगेन एक लाइन, ये अगर लाइन है तो किसका पार्ट होगा, अगेन रैंप का। ठीक है, दो पॉइंट चाहिए मुझे कोई, एक तो यही हो जाएगा -1,0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,1। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई की वैल्यू 0, और वाई एक्सिस पे क्या होता है एक्स की वैल्यू 0। तो इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, दोनों पॉइंट मैंने कॉपी कर दिए, पहले वाले को नाम दे दो x1 y1, फिर x2 y2। तो स्लोप कितना आ जाएगा, -1 -0 y2 -y1, और ये 0 अगेन -1 है तो -1, तो यहाँ बचा ये -1, और ये हो जाएगा नीचे +1, यानी कितना आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्लोप जो जा रहा है इसका के वैल्यू कितना होगा -1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आगे हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन अगेन किसका पार्ट है, रैंप का। ठीक है, तो रैंप का पार्ट है तो इसका स्लोप कितना होगा 0। हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्या होता है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उन लाइंस का स्लोप 0 रहता है। ठीक है, ये तो हम पहले से ही पता। तो अगले वाला एक पॉइंट मैं इसके लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2.5 वाइट यूज करना, 2.5 कॉमा, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है -1, और ये यहाँ पे कहाँ पे जाके 3 पे एक्स है, y की वैल्यू 1 है। तो दो पॉइंट ये मिल चुके हैं, इन दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने क्या दोनों पॉइंट यहाँ से उतार लिए और इनको नाम दे दिया पहले वाले को। ठीक है, अब स्लोप निकालेंगे, तो y2 - y1 यानी 1 - y1 कितना -1 है ध्यान से। तो नीचे x2 3 - 0.5, तो ऊपर तो हो जाएगा ये 2, और नीचे हो जाएगा 3 - 2.5 है, सॉरी 2.5। क्या चाहिए 2 और ये 0.5 कितना आ जाएगा सोल्व होके 4। ठीक है, तो ऊपर जो जा रहा है ये रैंप का पार्ट था, मैं भूल गया इसको पहले ड्रॉ करना, तो ये क्या है इसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये कितना 4। आगे देखो अगेन ये क्या है, रैंप ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता। नीचे फिर क्या आगे वाला, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसका पार्ट होता है स्टेप का। अब ये कहाँ से शुरू हुई थी, 1 से, कहाँ तक आकर रुक गई 0 पे, तो 1 - 0 1 से 0 पे आ गई, तो 1 नीचे आई है यानी -1, नीचे की तरफ आ रही तो माइनस लगा देंगे। तो ये सब हो चुका है, अब बस लिखना बाकी है इसको। देखो कितने आसान तरीके से मैं इसकी इक्वेशन को डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि इक्वेशन लिखने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, इतना काफी है, लिखते हैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन को। चलो इस वाला पार्ट एक्स ऑफ टी के हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब सेम पॉइंट पे रैंप और स्टेप आ जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्टेप को लिखते हैं। तो यहाँ पे -2 पे तुम देखोगे क्या हो रहा है, -2 के पे जस्ट एक तो स्टेप है और आगे क्या हो जा रहा है, -2 के बाद ही सीधा रैंप चले आ रहा है। तो पहले किसके लिखेंगे, स्टेप को। ठीक है, फिलहाल ये रैंप से शुरू हुआ था, -2 पे हमने देखा, तो -2 पे पहले को ना किसको लिखेंगे, स्टेप को। जब स्टेप और रैंप सेम पॉइंट पाते हैं तो पहले किसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं किसको, स्टेप को। ठीक है, तो लिखते हैं ये कितने पैर है बताओ मुझे, इसका पोजीशन है यू, इसका ये एक ऊपर गया, यू कितना पोजीशन है, -2 तो कितना आएगा यू टी प्लस 2। ठीक है, अब सेम पॉइंट पे रैंप ही है, अब रैंप को लिखेंगे, रैंप -2 पे ही है। ठीक है, तो पहले पता करना पड़ेगा रैंप के लिए क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं जिस पॉइंट, उस पॉइंट से आगे वाले का स्लोप माइनस पीछे वाले का स्लोप। तो ये आगे वाला पॉइंट है 2, सॉरी आगे वाला स्लोप है 2, पीछे वाला कितना 0, तो माइनस करेंगे इसको, प्लस क्या करेंगे, आगे वाला स्लोप माइनस पीछे वाला स्लोप, आर ऑफ ये भी कितने पे है 2 पे ही तो था। ठीक है, आगे फिर ये चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, 1 - 1.5 पे अगेन चेंज मिला, तो -1.5 पे क्या रैंप मिला डायरेक्ट। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो रैंप को लिख देंगे यहाँ पे, तो रैंप पे लिखेंगे। ठीक है, रैंप -1.5 से आगे वाला स्लोप कितना, -2, पीछे वाला कितना है 2, तो घटाएंगे आगे वाले में से पीछे वाले को, -2 - 2। ठीक है, आर ऑफ कितने पे मिला है वो -1.5 यानी t+1.5। अब ध्यान से देखो -1 पे क्या हो रहा है, -1 पे क्या एक नीचे की तरफ ये क्या आ रहा है स्टेप आ रहा है, और -1 के आगे जस्ट देखो उस पे क्या है रैंप है, तो दोनों चीजें एक साथ आ गई, तो पहले किसे लिखेंगे जो स्टेप मिला। ठीक है, तो स्टेप कितना एक, -1 का नीचे आ रहा है
तो माइनस वन लिख देंगे नीचे, माइनस वन यू ऑफ कितने पर है, वन पे, तो टी प्लस वन। ठीक है, आगे देखो फिर, तो माइनस वन के बाद ही जस्ट रैंप भी है, तो रैंप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कोई इसमें से माइनस कर जाता है, क्योंकि रैंप के लिए क्या करना, स्लोप में आगे वाला स्लोप माइनस पीछे वाला स्लोप, तो आगे वाला स्लोप तो माइनस वन हो गया। ठीक है, पीछे वाला का ये इस माइनस वन को मत समझ लेना, ये क्या, ये तो स्टेप का पार्ट है, इसके जहां जाके मिलेगा ना स्लोप उसी को कंसिडर करेंगे, तो माइनस दो को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो माइनस वन में से किसको घटाएंगे, माइनस के दो को। ठीक है, यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, कोई माइनस वन में से माइनस कर देता है, ध्यान रखना स्लोप में, स्लोप को ही तो माइनस करोगे, स्लोप में से स्टेप को थोड़ा ही माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आगे वाला स्लोप था माइनस वन और पीछे जो स्लोप है वो कितना, माइनस का टू, तो इसको लिखते हैं माइनस वन आगे का स्लोप है, माइनस पीछे वाला कितना, माइनस का दो। ठीक है, और फिर आर इसको अगले लाइन में लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, अगली लाइन में लिख देता हूँ, प्लस आगे वाला स्लोप माइनस वन, माइनस घटाना कितना, पीछे वाले को, तो पीछे वाला कितना, माइनस का दो। आर ऑफ कितने पे मिला था ये, माइनस वन पे, यानी टी प्लस वन पे, आसान है लिखना अब तक। ठीक है, तो हम जा रहे थे आसानी से, यहाँ पे क्या हुआ, जो टी कस्ट जीरो, फिर अगेन क्या हुआ, स्लोप में चेंज हुआ, माइनस वन से आ रहा था जीरो पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या आगे माइनस वन के आगे जस्ट क्या है, रैंप ही है, पीछे भी रैंप है, तो इन्हें समझ लो रैंप ही है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टेप तो है नहीं, तो आगे वाला स्लोप है जीरो, माइनस पीछे वाला स्लोप कितना, माइनस का वन, कितने पे चेंज हुआ है, टी माइनस जीरो पे। ठीक है, आगे देखो, फिर चल रहा था ऐसे ही, फिर क्या हुआ, स्लोप चार हो गया, पीछे वाला कितना था जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रैंप स्टेप वगैरह नहीं है, सीधा इसको भी ऐसे लिख देंगे, तो फोर आगे वाला पीछे वाला कितना जीरो, आर ऑफ कितने पे चेंज हुआ, ध्यान से देखो चेंज कितने मिला, 2.5 पे, 2.5 पे चेंज हुआ ना, टी माइनस 2.5। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, अब क्या बचा, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, अब क्या हुआ, तीन पे जाके अगेन स्लोप चेंज हो गया, पहले चार चल रहा था अब जीरो हो गया। ठीक है, तो अगेन देखो, तो अगेन क्या है, इसके बाद ये रैंप ही है, क्योंकि स्टेप तो आगे जाके है, ब्लू लाइन को देखो वो तो आगे जाके है ना चार पे। ठीक है, तो तीन पे तो रैंप है, अगेन आगे वाला स्लोप हो गया जीरो। ठीक है, ये वाला स्लोप और पीछे वाला कितना, चार, तो जीरो में से चार को माइनस करेंगे, आर ऑफ टी माइनस कितने पे मिली थी वो, तीन पे, एक और बचा है केवल। ठीक है, अभी देखो यहां तक आ गया मैं जीरो पे स्लोप पे, और अभी क्या देखो, मैं एक चीज और भूल गया हूँ, इसको तो हम भूले गए, ये भी तो पार्ट है किसका, रैंप का। ठीक है, तो रैंप का अगेन इसका भी स्लोप कितना रहने वाला, जीरो। ठीक है, इसको मत भूल जाना। तो देखो आगे, अब क्या, पहले स्टेप मिला मुझे चार पे, कितने का नीचे, माइनस वन का, तो स्टेप में तो कुछ नहीं देखना, जितने का नीचे आ रहा बस उसको लिख दो, तो मैं जब इसको लिखता हूँ पेन चेंज कर लूँ, कितने का स्टेप नीचे आ रहा था, वन का, यू ऑफ टी माइनस फोर। ठीक है, देखो अब क्या होता है, यहाँ पे हम बहुत लकी हैं कि टी कस टू फोर के बाद अगेन क्या है, रैंप पे के निशान टी कस टू फोर पे क्या, दोनों चीजें मिल लेती है, स्टेप भी और रैंप भी, यहाँ आगे देखोगे ना तो रैंप शुरू हो रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, बुक में ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभी क्या होता है, पीछे वाला स्लोप की वैल्यू कुछ होती है, लेकिन एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मिस्टेक ना हो, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही मिस्टेक होती है कभी, कि पीछे वाले जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे ये वन होता और लोग ऐसे छोड़ के चले आते, तुम कहते अच्छा ये तो जीरो है आगे जाके, तो फिर क्या होता, जीरो में से आप पीछे वाला स्लोप कटाते तो माइनस वन आता, तो इसका मतलब उसके कुछ वैल्यू आती है, यहाँ पे आप भले ही नहीं आ रही है, आगे वाली वैल्यू है जीरो, पीछे वाला स्लोप था जीरो, कितने पर है वो, आर ओ टी माइनस फोर। ठीक है, ये लिखना जरूरी इसलिए ताकि याद रहे कि अच्छा लास्ट तक नहीं छोड़ना उसको, बस इसको आप सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना तो आता ही है मेरे हिसाब से सबको, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितने आ गई, इस वन को तो मैं नहीं लिखूंगा तो बढ़िया, ठीक है वन को ना ही लिखो, यू ऑफ टी प्लस दो, दो में जीरो गया तो कितना बचेगा, दो, आर ऑफ टी प्लस दो, माइनस दो हो जाएगा माइनस का चार, आर ऑफ टी प्लस 1.5, ये अगेन माइनस वन को लिखो मत लिखो, केवल यू लिखो,
यू टी प्लस वन, आगे कितना हो जाएगा ये माइनस वन प्लस टू, दो माइनस आ रहे हैं तो टू तो प्लस का हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू होता प्लस का वन, यानी प्लस का वन कितना बचेगा आर टी प्लस वन। आगे क्या फिर जीरो, दो माइनस आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस वन होता वन और टी माइनस जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा टी केवल, यानी केवल आर और टी। आगे चार माइनस जीरो होता चार, ठीक है तो अगली लाइन में लिख देता हूँ उसको, चार आर ऑफ टी माइनस सॉरी टी माइनस कितना 2.5। आगे देखो जीरो माइनस चार होता है माइनस का चार, आर ऑफ टी माइनस थ्री, ठीक है और ये माइनस वन को मैं लिखूंगा ही नहीं, केवल यू ऑफ टी माइनस फोर लिखूंगा। आगे तो दोनों जीरो है तो जीरो की वजह से वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है यही क्या है इसका एग्जैक्टली आंसर। देखो मैं लंबी छोड़ी वेवफॉर्म नहीं थी इसलिए था, एग्जाम में तो इतने हलवा आती है ना वेवफॉर्म, क्या बताऊँ वहाँ पे कोई इतनी लंबी छोड़ी नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है ये, जितने अच्छे डिफिकल्टी की प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे एक लाइन में लिख कर आ जाओगे, क्योंकि स्लोप निकालना सब बचपन से सीख रहे हैं, मैं अलग निकाल कर दिखाता हूँ फिलहाल, वहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।